what did I know? I fell for fools. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत खास है और आज होने वाली है सोनी D20 की अनबॉक्सिंग। फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने आपको इसका रिव्यू वीडियो दिया था, उस पर मैंने आपको बताया था कि मैं इसका जल्दी ही अनबॉक्सिंग लेकर आऊंगा। सो फ्रेंड्स, आज हम करने जा रहे हैं अनबॉक्सिंग। और फ्रेंड्स, अगर आपको इसे परचेज करना होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में भैया का नंबर दे दूंगा और स्क्रीन में भी आ गया होगा, तो आप उन्हें एक बार कॉल कर लीजिएगा और वहां पे आपको बेस्ट डील मिल जाएगी। प्लस आप हमारे चैनल का नाम ले लीजिएगा तो आपको बढ़िया डिस्काउंट भी वहां पे मिलेगा। प्लस हमने भैया से एक चीज और बोल रखी है, वो मैं आपको बता देता हूं। फ्रेंड्स, हमने बोला है कि फ्रेंड्स, अगर हमारे सब्सक्राइबर्स कॉल करते हैं किसी होम थिएटर को लेने के लिए, तो थोड़ा आप उन्हें और कुछ फैसिलिटीज दीजिए। सो भैया ने बोला कि हम FND का ओरिजिनल ईयरफोन, हम कोई भी अगर होम थिएटर आपके सब्सक्राइबर्स हमसे परचेज करते हैं तो हम उन्हें फ्री में देंगे। सो फ्रेंड्स, ये काफ़ी अच्छे हैं, पर्सनली भी मैं इन्हें यूज़ कर रहा हूँ। तो अगर मैं अपने एक्सपीरियंस की भी बात करूँ, ये ईयरफोन काफ़ी बेटर है। जो साउंड क्वालिटी है वो बहुत अमेजिंग है। मतलब हमारे पास S8 में AKG के ईयरफोन्स आए थे, सो हमने उसके साथ भी इसे कंपेयर करा। जो इसका बेस है ना फ्रेंड्स, वो बहुत खतरनाक है। मतलब आपको पसंद आएगा। अगर आप कोई भी होम थिएटर परचेज करेंगे भैया के वहाँ से, तो आपको ये वाला ईयरफोन फ्री में मिलेगा। और इसकी भी MRP 900 to 1000 रुपीज़ समथिंग है। सो काफ़ी बेटर डील है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, अभी जो करंट प्राइस है वो है 7490 रुपीज़। बाकी कॉल करके आप पता कर लीजिएगा अभी क्या करंट प्राइस चल रहा है। और फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं बॉक्स के अंदर हमें क्या क्या कंटेंट देखने को मिलते हैं, क्वालिटी कैसी है, लुकिंग कैसी है। और उसके बाद फ्रेंड्स, मैं आपको इसका साउंड भी सुना दूंगा। वैसे पूरा एक सेपरेट वीडियो हम देंगे साउंड टेस्ट के लिए, बट आपको एक आइडिया लग जाएगा कि इसका किस तरीके का साउंड है। और फ्रेंड्स, अगर आपने हमें इंस्टाग्राम पर अभी तक फॉलो नहीं करा है तो प्लीज़ आप अभी इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, वक्त ज़्यादा ना गवाते हुए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स बिगिन। सो फ्रेंड्स, ये है हमारा सोनी SAD20 का बॉक्स। और बॉक्स को भी पहले मैं आपको पूरा साइड बाय साइड दिखा देता हूं, ताकि आपको पता लग जाए कि बॉक्स पर हमें क्या क्या चीज़ें मेंशन करी हुई मिल जाती है। सो देख लीजिए, ब्रांडिंग हमें हर साइड से मिल जाती है। और फ्रेंड्स, इस पर हमें ब्लूटूथ का सपोर्ट मिल जाता है, 60 वॉट्स का इसका आउटपुट है। USB का भी सपोर्ट मिल जाता है इस पर हमें। सो क्वालिटी जो है इसकी काफ़ी बढ़िया है, और सबसे लो रेंज का सोनी का होम थिएटर है ये। और फ्रेंड्स, ये 2.1 होम थिएटर सिस्टम है। सो देख लीजिए, बॉक्स को हम कट कर रहे हैं। फ्रेंड्स, थोड़ा सा टाइम लगेगा। देख लीजिए फ्रेंड्स, बॉक्स हमारा कट हो गया है। और सबसे पहले हमें देख लीजिए वारंटी कार्ड देखने को मिलता है। अब दिखाते हैं फ्रेंड्स आपको। देख लीजिए, सबसे पहले हमें अडेप्टर मिलता है, और जो ये अडेप्टर है फ्रेंड्स, ये 18 वॉट्स का है। क्वालिटी जो है इसकी काफ़ी बढ़िया है। और फ्रेंड्स, ये है पावर केबल, इसको भी साइड रख लेते हैं। और दिखाते हैं आपको अब और क्या क्या चीज़ें हमें इस पर मिलती है। सो देख लीजिए, जो इसका रिमोट कंट्रोल है फ्रेंड्स, बिल्कुल सेम D10 D100 की तरह ही है। क्वालिटी जो है रिमोट कंट्रोल की काफ़ी बढ़िया है, बट काफ़ी छोटा सा है। और फ्रेंड्स, ऑक्स केबल भी हमें मिल जाती है, इससे आप अपने मोबाइल PC लैपटॉप को कनेक्ट कर सकते हैं। और बैटरीज भी मिल जाती हैं। अब फटाफट से आपको स्पीकर की क्वालिटी दिखाते हैं। पैकिंग की भी अगर हम बात करें तो काफ़ी बढ़िया हमें मिलती है फ्रेंड्स। स्पीकर भी काफ़ी बढ़िया है, आपको सेम D100 D10 की तरह ही स्पीकर भी मिलता है। कोई नया चेंज हमें इस पर नहीं मिला है। ग्लॉसी फिनिशिंग है काफ़ी स्पीकर पे, आप इसे वॉल माउंट भी कर सकते हैं। सो लुकिंग काफ़ी अट्रैक्टिव है। और फ्रेंड्स, ये देख लीजिए, आपको यूज़र मैनुअल भी मिल जाती है। प्रोडक्ट के रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन इस पर आपको मिल जाएगी। अब आपको फ्रेंड्स सबवूफर की क्वालिटी दिखा लेते हैं। सो थोड़ा सा टाइम लगेगा फ्रेंड्स। अगर आपको अनबॉक्सिंग पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अब इसे फटाफट से अनरैप करते हैं और आपको दिखाते हैं क्वालिटी। फ्रेंड्स, अगर लुकिंग के हिसाब से हम बात करें तो कुछ ज़्यादा चेंज हमें देखने को नहीं मिलता है। सेम वही मॉडल्स हैं जो पहले D100 D10 में हमें मिलते थे। सो फ्रेंड्स, देख लीजिए, हमने अनरैप कर दिया है, और जो पैकिंग थी काफ़ी बढ़िया थी।
सो फ्रेंड्स देख लीजिए सबवूफर आगे से हमें मिलता है और बीच में सोनी की ब्रांडिंग मिलती है। इस साइड से देख लीजिए पावर ऑन का बटन मिलता है, फंक्शन का बटन मिलता है, यहाँ से 3 बटन्स मिल जाते हैं और USB स्लॉट मिल जाता है। बीच में हमें बेस होल मिलता है जहाँ से एयर पास होती है। जो लुकिंग है सबवूफर की काफ़ी बढ़िया है और फ्रेंड्स जो इसका कैबिनेट है वो पूरा वुडन कैबिनेट है। और फ्रेंड्स बैक साइड से दिखा देते हैं हम आपको अच्छे से। यहाँ पे देख लीजिए हमारी ऑक्स केबल लग पाएगी और नीचे हमारी पावर केबल लग पाएगी और यहाँ से हमारे स्पीकर कनेक्ट हो पाएंगे, स्पीकर स्लॉट्स हैं। सो लुकिंग के हिसाब से भी काफ़ी बढ़िया है, आप एक बार और डिटेल में देख लीजिए। और फ्रेंड्स अब आपको इसमें स्पीकर कनेक्ट करके दिखाते हैं ताकि आपको पता लग जाए किस तरीके से स्पीकर इस पर कनेक्ट होंगे। सो इस वाले की भी अनरैपिंग कर देते हैं, इसे भी फ्रेंड्स थोड़ा सा टाइम लगेगा। और देख लीजिए इसकी भी जो क्वालिटी है बिल्कुल सेम ऐसी ही है, सेम है बिल्कुल। और फ्रेंड्स अब पीछे से अपने स्पीकर को कनेक्ट कर लेते हैं। देख लीजिए आप इस जगह में हम अपने स्पीकर्स को कनेक्ट करेंगे और देख लीजिए स्पीकर हमारे कनेक्ट हो गए हैं। और फ्रेंड्स लुकिंग देख लीजिए आप काफ़ी बढ़िया लगती है स्पीकर को कनेक्ट करने के बाद, 2.1 होम थिएटर के हिसाब से काफ़ी बढ़िया है। अब फ्रेंड्स आपको अडैप्टर को कनेक्ट करके दिखा देते हैं इसमें किस तरीके से अडैप्टर हमारा कनेक्ट होगा। सो देख लीजिए हमने पावर केबल अडैप्टर पर कनेक्ट कर दी है और देख लीजिए ये हमारी मेन बोर्ड पर लगेगी जहाँ से हम इलेक्ट्रिसिटी लेंगे इसे चलाने के लिए और इसे पावर स्लॉट पर डाल देंगे, केबल को अटैच कर देंगे। देख लीजिए हमने अटैच कर दिया और ये ऑन हो गया है। फ्रेंड्स हमने अनबॉक्स पूरा कर दिया है, आपको पता लग गया होगा कि बॉक्स के अंदर हमें क्या क्या कंटेंट देखने को मिलते हैं। अब फ्रेंड्स अगर हम टोटल आउटपुट और स्पीकर्स के आउटपुट की बात करें तो फ्रेंड्स इस पर हमें स्मॉल स्पीकर्स जो हैं 3.14 इंच के मिलते हैं। फ्रेंड्स दोनों स्पीकर जो हैं 3.14 इंच के हैं और 15 वाट्स का इनका आउटपुट है जो कि 30 वाट्स हमारे स्मॉल स्पीकर्स का आउटपुट है। अब फ्रेंड्स अगर हम सबवूफर की बात करें तो उसमें 6.3 इंच का हमें सबवूफर मिलता है और उसका जो आउटपुट है वो 30 वाट्स RMS का है। सो जो टोटल होम थिएटर का आउटपुट है वो है 60 वाट्स RMS का। अब फ्रेंड्स आपको इसका थोड़ा साउंड सुना देते हैं ताकि आपको पता लग जाए इसका किस तरीके का साउंड है। वैसे फ्रेंड्स साउंड टेस्ट का एक पूरा हम सेपरेट वीडियो देंगे ताकि आपको उसमें एग्जैक्ट में पता लग जाए कि इसका कितना पावरफुल साउंड है। सो सबसे पहले अपने फ़ोन को ब्लूटूथ के साथ पेयर कर लेते हैं। देख लीजिए पेयरिंग हो रही है हमारी और हमारा फ़ोन जो है वो पेयर हो चुका है। अब फटाफट से इसमें गाने चलाते हैं और आपको दिखा देते हैं। देख लीजिए ब्लू कलर की लाइट जलती है जब ये पूरा पेयर हो जाता है हमारे ब्लूटूथ के साथ। सो सबसे पहले हम इसमें गाने चला देते हैं और प्लीज़ आप अपने हेडफोन्स का यूज़ करिएगा। Don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online. My city don't show me no loving, that's fine. Fuck local radio stations, I got more plays than all of these rappers combined. I'm going again. I've been going in, I'm fed up with so many things. I gotta just let it all out. I'm talking about the shit they've been talking about. Telling me I should do this. लगी वीडियो बताएगा नीचे कमेंट बॉक्स में। अगर आपका कोई डाउट होता है तो आप मेरे से पूछ लीजिएगा। और फ्रेंड्स इसका साउंड टेस्ट जल्दी आने वाला है, सो स्टे ट्यून रहिएगा। और फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। फ्रेंड्स प्लीज अपना साथ बनाए रखिएगा, आपके सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। सो फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।